है? माँ गंगा ने बुलाया था, 9 साल में बनारस का बंटाधार कर दिया, माँ गंगा ने बुलाया था। कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल। शंखनाद हो रहा है, आरंभ है प्रचंड। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के सामने हम लोग मौजूद हैं और ये शंखनाद हो चुका है, घंटे बज रहे हैं। आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष अजय राय को अभी कुछ देर में पहुँचना है, 11 बजे का समय था मेरी घड़ी में, 1 बजने वाला है, लेकिन अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। एक बार ये कैमरा घुमा के दिखा दे, उनके स्वागत के लिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आज अजय राय अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ करने वाले, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उनका आज यहाँ आना बहुत महत्वपूर्ण इस कड़ी में, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद उसके बाद अजय राय नए अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बने, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके स्वागत में हैं। यहाँ पे इन लोगों से बातचीत करेंगे कि अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या कांग्रेस की परिस्थिति में कितना बदलाव आएगा। आज अजय राय अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तुरंत उन्होंने ये बात कही कि बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी साहब, क्या लग रहा है अजय राय के बनने से प्रदेश अध्यक्ष कुछ बदलाव आएगा कांग्रेस पार्टी में कि नहीं? देखिए, पिछले 9 साल में जो काशी से सांसद देश के प्रधानमंत्री थे, वो वाकई में असली बेटे काशी के नहीं थे। ये काशी की गंगा आरती सुनाई दे रही होगी, ये तय कर चुका है कि वाकई में अब उत्तर प्रदेश में असली काशी का बेटा आ रहा है और कांग्रेस को सत्ता में लाने में कोई गुरेज नहीं देश की, प्रदेश की जनता को। ये लखनऊ की धड़क है, देखिए शंखनाद हो रहा है, आरंभ है प्रचंड। हमारा नेता चला बनारस से था लेकिन अभी पहुंचा नहीं है, क्योंकि इतना जनसैलाब है। देखिए, क्रांतिकारी आवाज लोगों के अंदर है। लखनऊ से यह संदेश जा रहा है कि वाकई में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने जिनके कंधे पे अब की बार कमान दी है, वो कमान तीर और कमारिये जाए। कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल, ऐसी बात करते हैं भैया। कमल का फूल तो देश की सबसे बड़ी भूल है। मैंने कहा देश की जनता ने ठाना है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। आज देश को जरूरत है जो जनता के हितों की बात करे। अब वही कहेंगे प्रधानमंत्री जी ने झूठे तो बोला था, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। हाँ, माँ गंगा ने बुलाया था, 9 साल में बनारस का बंटाधार कर दिया, माँ गंगा ने बुलाया था। चुनाव लड़ने गए तो वहाँ पे हर हर मोदी हुआ, हर हर गंगा की जगह। अरे भैया, आपकी बनारस की जनता ने कहा है हटाओ मोदी, हटाओ हर हर मोदी, हर हर मोदी। नहीं नहीं, हर हर मोदी तो आपने मार्केटिंग के जरिए देश की जनता, गोदी मीडिया, हर हर मोदी। भैया आप लोग व्यापारी है, भगवान शिव को नहीं हमेशा बेच दिए आप, भगवान राम को बेच दिए। वही कहते हैं ना, राम नाम की लूट सब लूट सको तो लूट लो। हाँ, लूटने वाली सरकार है ये, जो सरकार न सत्ता महंगाई की बात करे न किसानों की बात करे। मैं पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे वायदे किए थे, उन्होंने कहा था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार 1 साल से ज्यादा किसान सड़क पे बैठा रहा। प्रधानमंत्री ने तमाम इतना शक्ति प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? ये शक्ति प्रदर्शन की क्या जरूरत? अरे भैया, प्रधानमंत्री से बोलिए इस अपने पर्सनल जेट से जाने की क्या जरूरत है? कोई नॉर्मल फ्लाइट पे चले जाए, मशरूम खाने की क्या जरूरत है? देश के जनता का पैसा लूट लूट के भाजपाइयों ने, अगर आप एडीआर की रिपोर्ट उठा लीजिए तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी में है। ये कैमरा तो आज लगना चाहिए, मीडिया वालों को देख के खून खौल जाता है। सबसे ज्यादा अगर देश में बेचने का योगदान तो मीडिया का भी है, जिन्होंने देश को तमाम उन मुद्दों को गरमाने का काम किया है। आज लोगों को जरूरत है, ये तमाम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये सड़क पे पहुंचा है और इस सड़क से संदेश दे रहा है कि आने वाली सरकार जो है वो देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर वो किसान, हर वो नौजवान, सभी लोग खुशहाल होंगे और देश के युवाओं के लिए एक नई आयाम की जरूरत होगी। इतने लोग आज यहाँ मौजूद हैं, अजय राय को यहाँ आना है, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन की क्या जरूरत पड़ी आपको? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, अजय राय जी के लिए, कांग्रेस के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी के निर्णय के प्रति अपनी मुहर मारने के लिए ये प्रदेश भर के कार्यकर्ता आए हैं, क्योंकि अजय राय एक लोकप्रिय नेता हैं,
पूर्वांचल से आते हैं। 35 साल कांग्रेस को हो गए उत्तर प्रदेश में आए हुए, क्या अजय राय के आने से कुछ बदलाव होगा? निश्चित बदलाव होगा। आप देख रहे होंगे कि आज अप्रत्याशित रूप से लोग उमड़ पड़े हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को बुलाया गया या बसों में ढोकर लाया गया है, ये कांग्रेस के प्रति, अजय राय जी के प्रति, प्रियंका गांधी के प्रति अपनी निष्ठा और भावना व्यक्त करने के लिए आए हैं। और एक बढ़िया संदेश जाएगा, 24 बहुत आसानी से उत्तर प्रदेश में मोदी जी जीतने नहीं जा रहे हैं। अजय राय ने को जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, अजय राय ने कहा कि बनारस से प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगी। आपको नहीं लगता क्योंकि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ना है तो कोई सुरक्षित सीट चुनना उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा? नहीं, देखिए हमको चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। अजय राय जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है सोच समझ करके निर्णय लिया है। हमें हर हाल में चुनौती को स्वीकार करना है। बनारस हमारे लिए कोई नया नहीं है, प्रियंका गांधी के लिए बनारस कोई अजूबा नहीं होगा। बनारस में भी जनता वोट देती है, निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी को जो है काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद और बनारस की प्रिय जनता का भी आशीर्वाद प्रियंका गांधी जी को मिलेगा और नरेंद्र मोदी को वहाँ हार का सामना करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने टिक पाएंगे प्रियंका गांधी? लोकप्रियता जो प्रियंका गांधी जी का वो नरेंद्र मोदी का नहीं है। प्रियंका गांधी जी निश्चित रूप से टिकेंगी और जनता के आशीर्वाद से टिकेंगी, जनता उन्हें वोट देगी और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी और 24 में बनारस से लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में होगा। क्या अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बने, यहाँ पे तमाम इतनी भीड़ यहाँ मौजूद है, उनके साथ भी कई गाड़ियाँ आ रही हैं, ये शक्ति प्रदर्शन की क्या जरूरत पड़ी आपको? यहाँ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का, लोगों का प्रेम है। लोग स्वतः चल कर, कोई मोटरसाइकिल से, कोई सवारी गाड़ी से, कोई टैक्सी में बैठ, कोई रेलगाड़ी से बैठ करके आ रहा है। सारे लोग स्वतः आए हैं, किसी ने किसी को बुलाया नहीं है। 150 गाड़ियां लेके अजय राय आ रहे हैं, वो तो उनके साथ के लोग हैं जो उनके साथ चलते हैं। अजय राय जी बहुत दमदार व्यक्ति हैं, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, उनके साथ चलने वाले लोग हैं, वो प्रतिरूप में लोगों के साथ चलते हैं। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये जो अब बनारस से, चंदौली से, गाजीपुर से आने वाले जो हमारे कार्यकर्ता उनके साथ हो लिए होंगे और पहले से बहुत से लोग आ चुके हैं, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं है, वो कार्यकर्ताओं का प्रेम है। अजय राय जी का लगाव हो चुका, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष रहे हैं, इसके पहले प्रांतीय अध्यक्ष रहे हैं, जो कार्यकर्ता उनके साथ लगे वो सब साथ में आ रहे हैं। और एक बात बताइए, अजय राय जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि प्रियंका गांधी बनारस से नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को सांसद बनना बहुत जरूरी है, कोई सुरक्षित सीट से लड़ लें? देखिए, सुरक्षित सीट से जनता ने जिसको जाना है और पहचाना है, हमारे नेता कभी डरते नहीं है। जो लोग डरते होंगे वो अपनी सुरक्षित सीट छोड़ ले। प्रधानमंत्री जी को हार का ढींगरा पिटना की हारना है प्रधानमंत्री जी को। मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी, अपनी सुरक्षित सीट देख लीजिए, गुजरात चले जाइए। देश के प्रधानमंत्री को अब की बार बनारस की जनता सत्ता से बेदखल करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने केवल काशी की जनता को जुटलाने का काम किया। असली काशी का बेटा जो है वह कहीं में अब उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठा है। उत्तर प्रदेश दो बार दिल्ली भेजा काशी ने, दो बार है। अरे भैया, बार मोदी को दिल्ली भेजा। अरे भैया, मैं कहता हूँ जो लोग झूठा चंदन वही कहते नहीं है, चढ़ुआ चंदन मधुरी बानी दगाबाज की। देश का प्रधानमंत्री जो तो प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा बरगलाने का काम किया, सबसे ज्यादा झुकलाने का काम किया, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं देश के किसानों के साथ नहीं खड़ा हुआ, ये केवल झूठे वायदों के जरिए देश की जनता की सत्ता पे बैठने का काम किया। और लोग, तमाम लोग यहाँ मौजूद, चाहे फिर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आए हुए हैं अजय राय के स्वागत के लिए, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। जी साहब, क्या नाम है आपका? रवि शुक्ला। कहाँ से आए? अंबेडकर नगर। अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कोई फायदा होगा कांग्रेस को कि नहीं? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। फायदा इतना होगा कि सारे विरोधियों के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, सारे विपक्षी दल। हाँ, और कांग्रेस अब प्रत्याशित सफलता हासिल करके दिखाएगी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। अरे महाराज, 35 साल से नहीं लौटी, कोई लड़ने वाला अध्यक्ष नहीं था, एक सांसद, दो विधायक हैं आपके। हाँ, गांधी को भी जनता ने हरा के भेज। अरे भाई, ये परिवर्तन संसार के नियम है, जनता ने परिवर्तन किया था, फिर परिवर्तन करने जा रही है जनता। अच्छा, हाँ, कांग्रेस अबकी बार, बिल्कुल अबकी बार। अखिलेश और राहुल के साथ आने से कोई फायदा होगा कि नहीं? बिल्कुल फायदा होगा, और चाहे अखिलेश यादव या कोई
कोई साथ आया ना कांग्रेस अकेले फतह करेगी भाई जी। क्या लग रहा है अजय राय के लिए, यहाँ पे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से कोई फायदा कांग्रेस को होगा? निश्चित रूप से होगा, अगर कोई संघर्ष करने वाला आदमी आता है और लोगों ने उसकी ताकत देखी, एक साथ वो प्रधानमंत्री मोदी से चुनाव लड़ करके 1,00,000 के ऊपर वोट पाते हैं, वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया जिनकी योगी दहशत दिलवाते हैं उनसे दो दो हाथ करके मुख्तार अंसारी से अपने को स्थापित करते हैं, 5 बार के MLA रहे हैं, संगठन का अनुभव है, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। क्या लग रहा है कोई बदलाव आएगा अजय राय के आने से? बिल्कुल बदलाव आप देख सकते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम, जिस उत्साह और संघर्ष के साथ यहां पे सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है, निश्चित रूप से पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता यहां एकजुट होकर माननीय अजय राय के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए यहां पे आ चुके हैं। तमाम लोग यहां मौजूद हैं, अजय राय को यहां पहुंचना है, और ये आप भीड़ एक बार देखिए अंदर कैंपस, जी जी अध्यक्ष जी का ले लिए, तमाम पूरा कैंपस जो है कांग्रेस का वो भरा हुआ है। अजय राय को यहाँ पहुँचना है, कितना फायदा होगा, अजय राय अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों की क्या राय है? बारिश हो रही है लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के उनका आना बंद नहीं हो रहा, भीड़ यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है, बारिश के बावजूद मौसम खराब है उसके बावजूद यहाँ लोग आ रहे हैं, अजय राय अभी पहुँचे नहीं है। आप लोगों की क्या राय है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बनने के बाद कांग्रेस पार्टी में कितना बदलाव आएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी, जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।